सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सबुवाना हनुमानगढ़ से। आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे लिखा है अरविंद सिंह जी ने। प्यारे बच्चों, यह एक निबंध है। इस निबंध के अंदर चिट्ठियों के बारे में बताया गया है, वर्तमान में क्या है चिट्ठियों की उपयोगिता, जो है हमारे लिए कुछ व्यक्तिगत रूप से कम हो गई है, क्योंकि संचार का आधुनिकतम साधन जो कि जैसे मोबाइल है, उसका उपयोग बहुत अधिक हो गया है। इसकी वजह से क्या है, चिट्ठियों की कुछ उपयोगिता कम हो गई है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ जो हैं वो अपना व्यक्तिगत महत्व भी रखती हैं। इसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इसे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, पत्रों से। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, यानी पत्र लिखना भी क्या है, एक कला है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। पत्र जो हैं वह हम कुशल क्षेम के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को भेज सकते हैं, और पत्रों से हम क्या हैं, हमारे कार्यालय जो कार्य हैं वो भी पत्रों के माध्यम से करते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया कि पहले संचार का साधन क्या थे, घोड़े थे। घोड़े के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजा करते थे। उसके बाद में पहिए आए, यानी क्या हुआ, रेल, बस, इनके माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेल शुरू हुई और तार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का क्या था, सबसे तेज़ गति का माध्यम था। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू किया गया। आज यह सही है, खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों का तेजी से विकास, अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। क्या बताया है बच्चों कि शहर है, जैसे बड़े शहर है या महानगर है, वहाँ पर क्या हुआ, संचार के अन्य साधन विकसित हो गए, तो वहाँ पर क्या हो गया, पत्रों की उपयोगिता कम हो गई,
पर देहाती दुनिया, देहाती यानी जो ग्रामीण दुनिया है जहाँ पर संचार के साधनों की पहुँच नहीं है, वह आज भी चिट्ठियों से ही चल रही हैं। यानी वहाँ पर हम संदेश किस माध्यम से भेजते हैं? चिट्ठियों के माध्यम से। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हम जल्दी से जल्दी ईमेल करने लग गए, फैक्स भेजने लग गए या टेलीफोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, तुरंत अपनी बात को एक मिनट में ही जहाँ हमें पहुँचाना है, जिस संदेश को हमें जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देते हैं। पर जैसे कार्यालय करें हैं, मान लो हमारा ऑफिस यहाँ से मान लो 200 किलोमीटर दूर है, तो क्या कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेगा? वो अपने संदेश को वहाँ पर क्या करता है, डाक के माध्यम से पहुँचा रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र, किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का जिसने बेसब्री से इंतज़ार न किया। यानी सबसे पहले क्या था, पत्रों के माध्यम से ही हम कुशल क्षेम का पता करते थे और फिर हम आगे वाले के पत्र का इंतज़ार करते थे कि क्या जवाब आएगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। अब वह बात क्यों नहीं है? घर घर में क्या है, फ़ोन है, मोबाइल है, जिससे तुरंत हम क्या करते हैं, जिससे हम संदेश भेजना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं वह बात हो जाती है, तो लोग पत्रों का इंतज़ार अब नहीं करते हैं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। परिवहन यानी एक स्थान पर दूसरे जाने वाले साधनों ने क्या किया, दूरी को कम कर दिया है। मान लो हमें यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है तो मात्र हम 5 या 7 घंटे में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। किसके माध्यम से? परिवहन के साधनों के माध्यम से। तो परिवहन के साधनों ने क्या किया, दूरी को कम कर दिया है। आज देश में पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान यानी एक खोज का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। यह अगर आज की तरह पहले मोबाइल फ़ोन का बहुतायत में प्रयोग होता यानी बहुसंख्या में प्रयोग होता, तो क्या करते जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को, जिन्होंने पत्र के माध्यम से अपने मन की बातें कही, उनके विचार जाने, तो हमें आज उनके लिखे हुए पिता के पत्र पुत्री के नाम, उनका एक संकलन है, वह हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलता, जो क्या करते हैं, देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कुछ नया सीखने को हमें उनसे मिलता है। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यानी जो महान पुरुष हुए हैं उनकी यादगार के रूप में हमें उनके लिखे हुए पत्र ही हमारे लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। कौन सी श्रेणी में? पत्र लिखने की श्रेणी में। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी जितने भी पत्र प्राचीन समय में लिखे गए, वो उस समय उस देश की स्थिति, उस समय का समाज कैसा था, ये हमें जानने की जानकारी हमें पत्रों के माध्यम से मिलती है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। प्यारे बच्चों, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, और उस समय फ़ोन का प्रयोग नहीं होता था, और जो देशभक्त देश की आज़ादी को के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वो दूर दूर रहते थे, और उस दूरी में
पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो क्या करते थे, अपना संदेश पत्र के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर दूसरे जो महा देशभक्त थे उनके पास पहुंचाते थे कि हमारी आगे की क्या योजना है, हमें क्या करना है। तो उस सब में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पत्रों ने। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी गांधी जी के पास पूरे देश भर से पत्र आते थे और वह तुरंत उनका क्या करते थे, जवाब लिखते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, यानी वो उनके लिए एक प्रशंसा पत्र हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर, कई लोगों ने तो क्या किया, उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद, यानी तैयार रहते थे, तुरंत जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के पत्र, गांधी जी के लिखे हुए गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत ही प्रेरणादायक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत, यानी चिट्ठी पत्रों का महत्व की बरकरार है। बशर्ते हम क्या हैं, संचार परिवहन के साधन विकसित हो गए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुँच सकते हैं। संचार के साधन जैसे मोबाइल हो गया, हम तुरंत किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन चिट्ठी पत्र का जो महत्व है वह आज भी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच में रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाक घरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूर देहात में यानी गाँव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या है, यह भी चिट्ठी पत्रों का एक प्रकार है। इसके माध्यम से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, पैसे को पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या है, गरीब घरों में चूल्हे यानी वहाँ पर पैसे पहुँच जाते हैं। जैसे उनके घर का कोई सदस्य बहुत दूर काम कर रहा है तो वह वहाँ से पैसे भेज देते हैं मनी ऑर्डर के माध्यम से, और उनके घरों की जो अर्थव्यवस्था है वह किससे चल रही है, पत्रों से चल रही है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद बच्चों।